विशेषण पढ़ लिया है। तो देखो सबसे पहले बात आती है इसकी परिभाषा की डेफिनेशन। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम आदि की विशेषता बताते हैं, नोट करो इसको। इसिता अपना ये माइक बंद करो। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। राइटिंग में थोड़ी खराब है लेकिन आप लिख लो इसको। हाँ आराम से कर लो। क्या कितने प्रकार के होते हैं? पहला, ठीक है, पहला है आपका एक मिनट।
दूसरे नंबर पे है संख्यावाचक, देखो मैंने जो परिभाषा लिखाई है उसकी विशेषण की, उसके नीचे एग्जाम्पल डाल के ये तीन एग्जाम्पल लिख लेना, सुंदर, काली, चौथा, ये तीन एग्जाम्पल लिख लो उसके नीचे, जस्ट एग्जाम्पल डाल के सुंदर, काली, चौथा, विशेषण की जो डेफिनेशन है उसके नीचे डालो इस चीज को। फिर ये विशेषण के चार प्रकार हो जाएंगे आपके, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक। एक मिनट रुको, क्या कह रही है, क्या बोले, अरे यार मोड़ी बोले, अब बोलो बेटा, साफ नहीं आ रहा, साफ तो नीचे लिख लो, चलो साफ तो आ रहा है बेटा ये। अब आ गया, ठीक है, मिटा दूं, एग्जाम्पल लिख लो, सुंदर, काली, ये एग्जाम्पल है आपको। काली के बगल से चौथा, डेफिनेशन लिखनी है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, गुण, दोष, दशा अवस्था रंग अवस्था रंग आकार आदि का बोध कराते हैं, आ
आकार दशा के बाद अवस्था, रंग आकार आदि का बोध कराते हैं। गुणवाचक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे तगड़े बच्चे, ये हमारा एक एग्जाम्पल है। तगड़े माने बड़े, बच्चे मतलब हष्ट पुष्ट, जरूरत से ज्यादा हष्ट पुष्ट होते हैं। मतलब उसमें क्या दिखाई दे रहा है हमको, तगड़े बच्चे। एक तो उसकी हमको आकार दिखाई दे रहा है, आकार कैसा है, तगड़ा हो गया, तगड़े बच्चे। दूसरा उदाहरण है लेंगे बड़ा अंडा, ये भी एक उदाहरण हो गया, आकार की बात कर रहा है। अच्छा लड़का, अच्छा लड़का, ये इसमें क्या आएगा, इसमें गुण भी आ रहा है और रंग भी आ जाएगा, क्योंकि अच्छा होगा सुंदर के लिए रंग आ जाएगा और उसमें अच्छे गुण होंगे तो वो गुण आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा लड़का हो गया। अगला एग्जाम्पल रहेगा हमारा सब्जी, एक दुर्बल आदमी, दुर्बल मीन्स पतले, दुबला आदमी, सॉरी दुर्, अच्छा लड़का सब्जी अलग है ये, आकर्षक आदमी और खट्टा आम, ये उतारो फटाफट, ये हमारा गुणवाचक विशेषण हो गया। कर लो। दूसरा आता है हमारा संख्यावाचक, हाँ संख्यावाचक विशेषण मैंने भेद में लिखवाए हैं ना अभी, गुणवाचक संख्यावाचक। तो संख्यावाचक की परिभाषा लिखेंगे अब हम, जिन विशेषण शब्दों से
जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है की संख्या का बोध होता है ये इसकी डेफिनेशन हो गई। एग्जांपल लिखेंगे हम। इसमें क्या है, देखो दो चार कुछ कहती है ना, ये तो कुछ ही है हमारे पास, कुछ हजारों की संख्या में आदि। दो संख्या हो गई, चार संख्या हो गई, कुछ कम हो गई संख्या, हजारों में संख्या हो गई आदि। ये क्या हुआ, संख्यात्मक संख्यावाचक विशेषण हो गया हमारा। नोट करो फटाफट। सबका होया? दीक्षा ठीक है। यस सर, तो बहुत तेज आवाज। अब कौन सा होगा हमारा परिमाणवाचक, कौन सा तीसरा है, फटाफट फटाफट करना। परिमाणवाचक विशेषण देखते हैं, किसी वस्तु की नापतोल बताने वाले विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक कहलाते हैं। तो देखो इसमें क्या है कि अब कैसे नापते हैं उन चीजों को, हम कैसे मापते हैं इन चीजों को। तो देखो अब कैसे बताऊं,
एग्जांपल लिखते हैं इसके, एक गज जो हमारी ये नापने की इकाई होती है जिससे हम क्या नापते हैं, अपने खेतों को नापते हैं, क्या नापते हैं, खेतों को नापते हैं, कुछ ग्राम कुछ ग्राम, फिर कुछ किलो, किलो में कितने नापते हैं, 5 किलो, 5 किलो, एक आता है हाँ एक गज, एक गज कुछ ग्राम 5 किलो, कम से कम जल्दी फटाफट नोट करो, एक और रह गया है हमारा, ठीक है ठीक है ठीक है, अब दूसरा लिखो हम, लास्ट रह गया हमारा कौन सा, संकेतवाचक, तो संकेतवाचक में देखो, संकेतवाचक में तो संकेतवाचक में क्या होता है बेटा, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए, जो विशेषण शब्द संज्ञा या, एक मिनट साइड हो जाएगा तो लिखाएगा कौन, संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त होते हैं, बताने के लिए प्रयुक्त होते हैं, सर्वनाम के लिए प्रयुक्त होते हैं, उसे संकेतवाचक कहते हैं, संकेत वाचक विशेषण कहते हैं। अब देखो तो इसके लिए हम उदाहरण क्या लेंगे, यह वह आदि, यह वह आदि, देखो जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त होते हैं, मतलब एक ही यूज करते हैं उन चीजों को हम, तो उसमें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं, और यह वह मतलब आप किसी व्यक्ति को ऐसे मान के चलो 5 व्यक्ति खड़े हैं और आपने यह काम किया, तो आपने यह लगाया ना, तो एक व्यक्ति के लिए लगा दिया, तो ये आपका कौन सा विशेष, संकेतवाचक, संकेतों के माध्यम से आपने उस व्यक्ति को क्या किया, बताया, बस ठीक है, ये आपके पूरे विशेषण हो चुके हैं। होमवर्क के लिए आपको यही लर्न करने के, इनकी परिभाषा मुझे सेंड करनी है मेरे नंबर पर, लेफ्ट हो जाओ, लेफ्ट ही है ना, तो बस ठीक है।